दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मीवी के कॉलर फ्लैश वायरलेस ईयरफोन की। अभी अभी लॉन्च किए हैं, हालांकि इनको कुछ टाइम हो गया है लॉन्च किए। आपको पता ही, अगर आप मुझे चैनल पे फॉलो करते हैं तो मैं इनको यूज़ करता हूँ, उसके बाद कोई भी गैजेट का रिव्यू करता हूँ। तो पिछले मैं 7 दिन से इसको यूज़ कर रहा था, इन ईयरफोन्स को। तो अगर आपको कोई एक बजट में, यानी कि 1000-1200 रुपये में कोई एक ब्लूटूथ वाले ईयरफोन चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। उसके अलावा इनकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा, इसका रिव्यू भी बताऊँगा, और 7 दिन से मैं पिछले इनको यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, वो भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप एक ब्लूटूथ ईयरफोन ढूंढ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार कोई ऑफर में अच्छा सा ईयरफोन मिल जाए जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो और कॉलिंग की जो क्वालिटी होती है, मेनली हमारा फोकस होता है म्यूजिक के ऊपर या फिर हम कॉल क्वालिटी की बात करें तो उसके ऊपर, तो दोनों में ही ये मुझे अच्छे लगे। तो पहले सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम अनबॉक्सिंग देख लेते हैं इसकी। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह की कुछ पैकिंग में ही आता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक रेप आता है, वो मैंने हटा दिया है। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर कोई भी चीज़ हो, कोई भी गैजेट हो, मैं उसको पहले यूज़ करता हूँ एटलीस्ट 1 वीक तक, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू वीडियो या अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ। पहले देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद हम रिव्यू की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ हमें अपने ईयरफोन्स देखने को मिलते हैं, और ऊपर ही हमें ग्रीन कलर का एक बॉक्स मिलता है पूरा कार्डबोर्ड का, उसी में हमको ये सारा पैकेज देखने को मिलता है। बाकी सब बॉक्स खाली है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो ईयरफोन है डायरेक्टली हमें देखने को मिलते हैं, और मैं इनको यूज़ कर चुका हूँ तो थोड़ा सा आपको डस्ट भी देखने को मिलेगा इनमें। तो ये ईयरफोन देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। पहले और देख लेते हैं बॉक्स में और क्या कंटेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है, और एक कार्ड भी मिलता है साथ में ये वाला, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वारंटी क्लेम के लिए। अगर बीच में 1 ईयर की वारंटी इसमें मिलती है, अगर वारंटी में कुछ हो जाता है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, वो रिप्लेस करके देंगे या इसी को ठीक करके देंगे। तो वारंटी क्लेम कैसे करना है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ जो इनवॉइस मिला है, अगर आपने ऑफलाइन लिया है ऑनलाइन लिया है, जो इनवॉइस है आपका, उस इनवॉइस की एक फ़ोटो भेजनी है इस व्हाट्सअप नंबर पर। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा ये कार्ड में, तो उस पर आप फोटो भेज देंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और हमें बॉक्स में यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें आपको यहाँ पर कुछ ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाले कुछ ईयरबड्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम दूसरे कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिलती है, स्टिल अभी भी टाइप सी नहीं दिया है मीवी ने, माइक्रो यूएसबी दिया है तो ठीक है, बट माइक्रो यूएसबी सिर्फ चार्जिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि इसमें आप डेटा ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे, ये सिर्फ चार्जिंग के लिए, तो इतनी क्वालिटी मुझे लग नहीं रही है। सिर्फ इससे आप चार्ज कर पाएंगे, और फास्ट चार्ज ये सपोर्ट करता है, करीबन ये 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और लगभग बेसिक यूज़ में अगर हम बात करें इसकी तो ये 2 दिन तक ये आराम से चल जाएगा, बेसिक यूज़ की अगर हम बात करें तो। अब बात करते हैं यहाँ पर ईयरफोन्स की। तो देखिए इस तरह के कुछ ईयरफोन्स मिलते हैं, और ये जो हैं इनके जो ईयरबड्स हैं ये काफ़ी हैवी हैं, मतलब कि जो आपके खान में लगेंगे काफ़ी हैवी हैं, और साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी यहाँ पर हैवी देखने को मिलते हैं, और है मेटेलिक, और आपको मैग्नेट भी देखने को मिलता है साथ में यहाँ पर, तो ये कुछ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जब नॉर्मल सी जो ईयरफोन जैसे ब्लूटूथ वाले होते हैं वायरलेस, वही आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिलता है इनके बटन को कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बटन आपको देखने को मिलते हैं इसके, ये जो बटन है ये पावर बटन इसमें नीचे देखने को मिलता है, न कि सेंटर में। नॉर्मली कोई भी अगर आप ब्लूटूथ वाले ईयरफोन लेंगे तो उसमें सेंटर में पावर बटन देखने को मिलता है, बट इसमें आपको नीचे देखने को मिलता है पावर बटन, और वॉल्यूम अप और डाउन का अलग से दिया है बटन, और बीच में लाइट इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने सेंटर में दे दिया, और माइक होल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एक अलग से बैटरी का कंपार्टमेंट दिया हुआ है। तो यही सारा कुछ पैकेज इस बॉक्स में हमें देखने को मिलता है। ये अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो देखिए मैं इसको पिछले 7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यही यूज़ किया और मैंने वीडियो बना दिया। मैं मीवी के भी यूज़ कर चुका हूँ, जैसे कि आपको पता है अभी अनबॉक्सिंग करी, उसके अलावा मैंने यहाँ पर बोट के भी यूज़ किए, इसके अलावा मैंने नॉइस के जो ईयरफोन आते हैं वो भी यूज़ किए, उसके अलावा मैंने मीवी के ही जो ईयरबड्स आते हैं वो भी यूज़ किए, सभी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और उसके अलावा जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रहा है, जो ये कॉलर वाले जो आते हैं नॉर्मली, उनके साथ एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उनमें जो कॉल क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो ईयरबड्स होते हैं, वो ईयरबड्स अगर आप अच्छे वाले लेंगे, यानी कि एप्पल वाले आते हैं, वो अगर आप लेंगे तो ही आपको कॉल क्वालिटी में, यानी कि आपको तो आवाज़ आ जाएगी बट सामने वाले को आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। तो अगर
ऐसा आप कुछ करना है या फिर अच्छी क्वालिटी वाले जैसे कि वन प्लस के हो गए या इन ब्रांड्स के अगर ईयरबड्स लेंगे तो ही आपको यूजफुल है, अदरवाइज ये जो 1000 रुपये में ईयरबड्स आपको मिलते हैं टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, कुछ भी नहीं उनमें। मीवी के भी लेके देख लिए मैंने, बकवास है एकदम। आपको म्यूजिक सुनना है ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी म्यूजिक में। अगर आप कॉल के लिए लेना चाहते हैं तो बकवास है एकदम, आपको कान में से निकाल के मुंह में ऐसे डाल के आपको बात करनी पड़ेगी, तब जाके आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ मतलब सामने वाले को अपनी आवाज़ आएगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं ऐसे ईयरबड लेने का। और यहाँ पर हम बात करें इसकी जो कॉलर वाले होते हैं ये इस टाइप के, इनमें अगर हम बात करें तो ये है क्या होता है, इनकी जो माइक होती है माइक हमारे यहीं पर होता है, मतलब कि इस यहाँ पर ही लगा रहता है कॉलर के पास, तो आवाज़ चली जाती है, हम थोड़ा सा लाउड बोल लेते हैं, बट जब माइक यहाँ पर है तो आवाज़ जाने में थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। और इसको अगर हम आवाज़ नहीं भी जाए तो इसको मुंह के पास भी ले जा सकते हैं, इसे मोड़ सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, तो ये एकदम यहाँ पर ईजी होता है हमारे लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो सबसे मुझे बेस्ट कौन सा लगा, तो अभी तक बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, कॉल क्वालिटी की बात करें, जो म्यूज़िक है उसकी बात करें यहाँ पर, तो सबसे बेस्ट मुझे मीवी का ही लगा, जो कॉलर फ्लैश है जिसकी अभी अभी हमने अनबॉक्सिंग करी है वही मुझे बेस्ट लगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर अगर हम इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो इसकी बैटरी बैकअप आपको कम से कम अगर नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं आप, बेसिक यूज़ एकदम, अगर दिन भर के जितने भी कॉल्स आते हैं मुझे, मैंने नॉर्मल यूज़ भी करके देखा है, एकदम हैवी यूज़ भी करके देखा है, तो जो नॉर्मल यूज़ करता हूँ मैं इसका, तो ये 2 दिन इसकी बैटरी चल गई थी मेरे, लेकिन दिन भर में जितने भी कॉल्स आए और मैंने 1-2 वीडियोज़ भी देखे थे यूट्यूब पे, सुबह 1-2, दिन में 1-2, इस तरह से मैंने इसका दिन पूरा निकाला था, तो यहाँ पर 2 दिन तक उसकी बैटरी चल गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शाम तक यानी कि दूसरे दिन शाम तक आते आते उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, पूरा डेड हो गया था। तो ये इसकी यहाँ पर जो है नॉर्मल बेसिक यूज़ में इसकी बैटरी इतनी लाइफ चलती है। अगर ओवरऑल हम देखें तो 16 से 17 घंटे इसकी बैटरी आराम से चल जाएगी, अगर आप कंटिन्यूसली इसको ऑन भी रखेंगे तो भी ईजिली चल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वॉइस की, तो ईज़िली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से बात भी कर सकते हैं, सामने वाले को आवाज़ भी पहुँचेगी आपकी और आपको भी अच्छे से आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा बात करें इसकी प्राइस की, तो यार ये 799 रुपीज़ में मुझे मिला है। अब ये कैसे मिला है, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये मुझे ईयरफोन जो है वो 799 रुपये में मिला है। नहीं कि हम वहाँ पे टेलीग्राम पे हमारे कोई भी बकवास नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ डील्स डालते हैं, वो भी इसी तरह की 1200 रुपये की चीज़ अगर कोई 800 रुपये में मिल रही है तो वो वाली डील्स डालते हैं वहाँ पर, और कोई भी बकवास डील नहीं आएगी आपके पास, ना कोई बकवास मैसेज आएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है और आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए अगर इसी तरह के ऑफर आपको लेना पसंद है तो। बाकी नॉर्मली हम बात करें तो ये 1200 रुपये में आपको ये देखने को मिलता है, 1200 रुपये में ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, 1000 रुपये तक ये वैल्यू फॉर मनी है, 1000 से नीचे मिल जाए तो ले लो, 1000 में भी मिल जाए तो ले लो, 1000 से ज़्यादा है तो फिर मत लो, ये उतना अच्छा नहीं है। तो बस यही था इसका रिव्यू, बाकी कुछ उसमें है नहीं जिसके बारे में मैं बात करूँ और आपको बताऊँ, नॉर्मल सा ईयरफोन है, बाकी जैसे सभी होते हैं उसी तरह से ये ईयरफोन काम करता है। पेयरिंग की बात करें तो ये इजीली पेयर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, दो डिवाइस में एक साथ आप पेयर कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वर्क एक ही में करेगा एट ए टाइम, जिसमें आपने एक्टिव किया होगा उसी में एक बार ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, कनेक्टेड दोनों से रहेगा बट वर्क एक ही में करेगा, एक्टिव एक ही में रहेगा। अब बात करते हैं इसके रेंज की, रेंज लगभग सेम है इसके जो नॉर्मल कोई भी ईयरफोन होती है, 10 मीटर से ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है, 8 मीटर में एकदम क्लियरली आपको वॉइस आएगी, बट 9 मीटर पर ऐसे थोड़ा सा ब्रेक होगी वॉइस, 10 मीटर में पूरी ब्रेक होने लग जाएगी, कनेक्टेड रहेगा बट ब्रेक होने लग जाएगी वॉइस, तो 8 मीटर तक एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही था मेरा रिव्यू इसको लेके, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसको रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।